नमस्कार गढ़वा, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। रंका से सत्यनारायण मलाकार की रिपोर्ट। हेमंत सोरेन का रंका में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। रंका विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के प्रचार में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का आगमन हुआ एवं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड की जनता को लूटने का प्रयास रघुवर सरकार के द्वारा किया गया है, जो अब नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र का खेल चल रहा है, जो झारखंड को लूटने का पूरा तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गुरुजी शिबू सोरेन और मेरे अलावा कोई भी झारखंड के क्षेत्र में नहीं है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लालू जी को षड्यंत्र के तहत जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग झारखंड को बचाने के लिए काम करेंगे। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनी तो सभी अनुबंध कर्मियों का होगा अस्थायीकरण। माले के झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण उपस्थित, यहाँ हमारे प्रत्याशी भाई मुन्नू ठाकुर जी, मिथिलेश ठाकुर जी, जैसे इसको प्यार से मुन्नू ठाकुर भी हम लोग बोलते हैं, और क्योंकि दिखने में भी वैसे ही लगते हैं थोड़ा सा, इस वजह से मुन्ना मुन्ना मुन्नू हो गया है। तो ये एक प्यार है, एक और इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगा और आप लोगों से आवाज सुनने की उम्मीद करूंगा कि इस बार गढ़वा विधानसभा से महागठबंधन की प्रत्याशी की विजय निश्चित रूप से हो।